Good morning, my dear student. So today we'll learn EVA subject. In EVA, today we'll start our chapter number 2. The name of our chapter is the Plant Fairy. Okay. So chapter का नाम देख के हमें पता चल रहा है कि this chapter is all about plant. Okay. In this chapter, many information about plants are given. So let's start our chapter. First here, one beautiful story is given. Last Sunday, we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, chuppan chuppai and antakshari. Okay, so यहाँ पे जो plant fairy है lesson, उसमें थोड़े character आपको दिए हैं, जिसमें थोड़े children इकट्ठे हुए हैं और वो उन्होंने वो garden में गए थे, तब क्या किया था वो आपको बता रहे थे. लास्ट संडे वो सारे बाजू के गार्डन में गए थे. वहाँ पे जाके सारे बच्चों ने क्या खेला था? हाइड एंड सीक, उसको हिंदी में आप बोल सकते हो छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी. ये दोनों गेम उन्होंने गार्डन में खेली थी. वी हैड लॉट ऑफ फन. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. ओके, सो सारे चिल्ड्रन बात कर रहे हैं आपस में. सो वो बोले कि जो अंताक्षरी एंड हाइड एंड सीक खेला उसमें उनको बहुत ही मज़ा आया था. सो थोड़े टाइम के बाद दीदी ने बोला कि आज जो है हम क्या खेलने वाले हैं, कोई न्यू गेम खेले, क्योंकि ये दोनों गेम तो उन्होंने ऑलरेडी खेल ली है. सो आज वो जहाँ इकट्ठे हुए हैं गार्डन में, वहाँ पे वो न्यू गेम खेलना चाहते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द लास्ट ईयर. ओके, इन द कैंप लास्ट ईयर, यानी कि ये जो गेम खेलने वाले हैं वो गेम उन्होंने पहले खेली हुई है. और कहाँ पे खेली थी? वो जब कैंप में गए थे तब उन्होंने लास्ट ईयर ये गेम खेली थी. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. ओके, सो गेम का नेम क्या है? द प्लांट फेरी. नेम ऑफ दिस गेम इज द प्लांट फेरी. और उसमें क्या करना है? एक जो पर्सन है वो प्लांट फेरी बनेगा और वो जो भी बोलेगा वो थिंग को आपको टच करना है. और अगर आप वो थिंग को टच नहीं कर पाए तो आप वो गेम से आउट हो जाओगे. द गेम बिगन. दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट एट वन. All the children ran towards the plant. Okay, so अब हमें पता चल रहा है गेम शुरू हो गई. दीदी ने बोला कि उनको कहाँ पे टच करना है? कोई भी प्लांट को टच करना है. सो यहाँ पे देखो, सब ने जैसे ही ऑर्डर मिला सारे बच्चे प्लांट को टच करने के लिए दौड़ने लगे. Now see here in the picture. अम्मू हेल्ड द मेरी गोल्ड प्लांट. यहाँ जो अम्मू है उसने कौन सा प्लांट टच किया है? मेरी गोल्ड प्लांट. देन शबनम सेड टचिंग अ जास्मिन प्लांट. शबनम जो है वो जास्मिन प्लांट को बैठ के टच करने लगी. नेक्स्ट वन हियर. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. दयाराम जो है उन्होंने जो नीम ट्री है उसका जो ट्रंक है वो पकड़ के वो खड़े हो गए. एंड माइकल टच मेहंदी बुश. ओके, यहाँ पे माइकल आपको दिखाई दे रहा है, उसने क्या टच किया है? जो मेहंदी बुश है वो पकड़ के वो बैठ गया है. नाउ यहाँ पे बीच में जो है वो है दीदी, जो कि सबको ऑर्डर दे रहे हैं. और वो जैसे ऑर्डर देते हैं ये सारे चिल्ड्रेन बारी बारी वो थिंग्स को टच करते हैं. तो इस तरीके से उनकी जो गेम है प्लांट फेरी वो अभी स्टार्ट हो गई है. Now here I want to show you parts of a plant. Okay, because our whole chapter is based on plants only. Okay, so हमें plants के part के बारे में भी पता होना चाहिए. So see here, the parts of a plants are flowers. Okay, picture में आपको दिखाया ही है flower. Next one is leaves. Okay, leaves जो plant का पत्ता होता है जिसको हम बोलते हैं leaves. नेक्स्ट वन हियर फ्रूट. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे दिस वन इज स्टेम. ओके, स्टेम हियर सीड्स जो फ्रूट के अंदर होता है वो पार्ट को आप बोल सकते हो सीड्स. एंड हियर लास्ट
लास्ट जो पार्ट है यहाँ पे रूट्स, जो रूट होता है वो सॉइल के अंदर होता है, ओके, जमीन के अंदर वाले हिस्से को हम बोलते हैं रूट्स, ओके। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ओके। सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल द स्पेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, ओके। सारी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, बिकॉज आपको पिक्चर बना के फिर उसके नेम भी लिखने होंगे, ओके। सो यू हैव टू मेमोराइज द स्पेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। Now here, types of plants, okay? जैसे अगले आगे हमने देखा कि parts of plant, but वो part थे, अब type, यानी कि plants के कौन कौन से types होते हैं। So जो plant होता है उसके part के according उनको अलग अलग type में divide किया जाता है। Types of plants, okay? So according to that part, जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लाइक हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज एंड क्रीपर्स, दीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नाउ फर्स्ट टाइप हर्ब्स, ओके। हर्ब्स हम किसको बोलते हैं, दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, द स्टेम इज वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन, दे कैन स्टैंड इरेक्ट, ओके। नाउ हियर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स, ओके। सो लेट्स सी, स्पिनेच, मेंट, कोरिएंडर एंड ग्रास, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। नाउ सेकेंड टाइप श्रब्स, ओके। दे आर टॉलर देन हर्ब्स, जो श्रब्स होते हैं वो हर्ब्स से थोड़े टॉल होते हैं, दे आर बुशी प्लांट्स, दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, दे हैव अ थिन ब्रांचेस, ओके। सो हब से थोड़ा ही टॉल होता है उसको हम बोलते हैं श्रब। यहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नाउ हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स, रोज प्लांट्स, जास्मिन प्लांट एंड हिबिस्कस। नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्लांट इज क्लाइंबर्स, दे हैव वीक स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, ओके। सो जो क्लाइंबर्स होते हैं उसका जो स्टेम कैसा होता है, वीक होता है, वो स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते और उसको स्ट्रेट ग्रो होने के लिए और किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, सो उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। सो नाउ हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स, मनी प्लांट, पी प्लांट एंड ग्रेपवाइन। नाउ नेक्स्ट टाइप इज क्रीपर्स, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे हैव वीक स्टेम्स, दे क्रॉल एंड क्रीप एज दे हैव बिग एंड हैवी फ्रूट्स, ओके। सो जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड पे ही ग्रो होते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया है। दे ऑल्सो हैव वीक स्टेम, उनका भी स्टेम जो होता है वो वीक होता है। दे क्रॉल एंड क्रीप एज दे हैव बिग एंड हैवी फ्रूट, वो लोग जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही इस तरीके से क्रॉल एंड क्रीप होते हैं, ओके। क्योंकि उनका जो फ्रूट होता है, यहाँ आप देख सकते हो वो कैसा होता है, बहुत ही हैवी फ्रूट होता है, सो इसीलिए वो ग्राउंड पे ही क्रीप एंड क्रॉल होके वो ग्रो होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स, पम्पकिन प्लांट एंड वाटरमेलन प्लांट। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ट्रीज, ओके। ट्रीज के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है, दे आर बिग प्लांट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, दे हैव मैनी ब्रांचेज ऑल्सो, दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक, ओके। सो ट्रीज जो होता है वो बहुत ही बिग प्लांट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होता है, और ट्रीज बहुत ज़्यादा ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, एंड दे हैव मैनी ब्रांचेज, उनकी यहाँ पे आप पिक्चर में देखो बहुत सारी ब्रांच होती है, एंड दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम, उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही हार्ड एंड वुडी होता है, जिसको आप ट्रंक भी बोल सकते हो। नाउ हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री, बनियन ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री। नाउ हियर आर सम पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लांट्स बाय देयर फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड
एंड ट्रंक एज एवरी प्लांट हैज डिफरेंट लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड ट्रंक. ओके, सो कोई भी प्लांट है उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके फ्लावर्स लीव्स फ्रूट एंड ट्रंक एवं उनके पार्ट देख के हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट के जो पार्ट होते हैं लीव्स फ्लावर फ्रूट एंड ट्रंक वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. रूट्स ऑलवेज ग्रो अंडरग्राउंड सॉइल. रूट जो होता है, मैंने अभी आपको बताया पार्ट ऑफ प्लांट में जो रूट्स होता है वो हमेशा अंडरग्राउंड सॉइल में ग्रो होता है. नेक्स्ट वन, वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ आर फूड्स फ्रॉम प्लांट्स. ओके, हमें हमारा बहुत ज़्यादा जो हमारा खाना है, हमारा फूड है, वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स के पास से. ओके, सो प्लांट जो है वो बहुत ही हमें यूजफुल होता है. Now here, plant needs water, air and sunlight and soil to grow. जो plant होता है उसको grow होने के लिए कौन कौन किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? So water, air, sunlight and soil. ये चारों चीज़ें अगर plant को मिले तो आपका plant एकदम अच्छी तरीके से grow हो सकता है. Now let's come back to our chapter. Didi said, very good, everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? So Didi ne bola ki very good, maine bola sabne alag alag plant ko touch kiya. Okay, but kya aapne notice kiya ki sare plants jo hai wo ek dusre se alag hai aur alag hi hoge, kyunki abhi hi humne sikha ki jo plant ke parts different hote hai. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड शबनम. शबनम ने दीदी को बोला कि दीदी आप भी एक प्लांट के ऊपर ही बैठे हो. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. सो क्या आप वो प्लांट का नाम बता सकते हो जिसके ऊपर दीदी बैठी है? सो ऑब्वियस यस, किसके दीदी जो बैठी है वो प्लांट का नाम है ग्रास. वो प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ग्रास. ग्रास के ऊपर दीदी बैठी है. Now the game started again. The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. Okay, so अब game आगे ही शुरू हो रही है और जो plant fairy है उन्होंने order दिया अब उनको क्या touch करना है. ऐसा tree touch करना है जिसकी या तो थिक ट्रंक हो या तो थिन ट्रंक हो. सो पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे थ्री चिल्ड्रन ने थिक ट्रंक को यहाँ पे टच किया है, जबकि वन जो चाइल्ड है उसने थिन ट्रंक को टच किया है. सो यहाँ से आपको मैंने अभी पार्ट जो देखे उसमें भी बोला आपको कि जो डिफरेंट प्लांट होते हैं उसका ट्रंक होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. नाउ हियर द चिल्ड्रन ran again to touch the tree with a thick or thin trunk. So order मिला तुरंत ही सारे बच्चे thick and thin trunk वाले trees को touch करने दौड़े. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? क्या आपने ऐसे thick and thin trunk वाले trees को देखा है जैसे कि picture में यहाँ पे आपको दिखाया है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. वो सोचने लगा कि जो फेरी है वो कितनी लकी है, कितनी लकी होगी. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. उसको सिर्फ और सिर्फ उसके आजू बाजू के सारे लोगों को क्या करना होता है? ऑर्डर ही देना होता है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, सेड माइकल. सो माइकल को गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसको जो फेरी का करेक्टर है वो भी उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा. सो माइकल भी अभी क्या बनना चाहता है? प्लांट फेरी बनना चाहता है. द चिल्ड्रेन लाफ्ड अलाउड. माइकल का ये वर्ड सुन के सारे चिल्ड्रेन जोर जोर से हंसने लगे. अ बॉय फेरी, क्योंकि जो प्लांट फेरी है वो अभी तक लड़की ही बनी थी, गर्ल ही बनी थी. नाउ माइकल तो बॉय है, सो सब हंसने लगे कि ये तो एक बॉय फेरी हो गया.
दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम दी न्यू प्लांट फेरी. सो गेम आगे बढ़ती जा रही है. अब प्लांट फेरी कौन बना है? माइकल बना है और वो सबको ऑर्डर दे रहा है. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली. सो माइकल ने अब क्या ऑर्डर दिया कि अब मुझे थोड़े पत्ते एकदम जल्दी से ला के मुझे दो. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी. द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. ओके, माइकल ने ऑर्डर दिया कि क्विकली आपको लीव्स कलेक्ट करके लाना है. तो बच्चों को उसके साथ दीदी ने क्या अलर्ट किया कि आपको ध्यान रखना है आपको कौन से लीव्स लाने हैं, कि जो लीव्स ग्राउंड पे पड़े हुए हैं वही लीव्स आपको लाने हैं. आपको कोई भी ट्री या कोई भी प्लांट का लीव्स आपको प्लक यानी तोड़ना नहीं है. ओके, सो ये बात याद रख के सारे बच्चों को लीव्स कलेक्ट करने के लिए बोला.